तो गाइस मार्बल फेज फोर खत्म हो चुका है एंड चाहे ये फेज मार्बल के प्रीवियस फेजेस के मुकाबले इतना सॉलिड नहीं था बट स्टिल इसमें कुछ ऐसे अमेजिंग मूवमेंट्स देखने मिले जो कि हम मार्बल फैंस हमेशा याद रखेंगे सो तो गाइस इस वीडियो में हम मार्बल फेज फोर के टॉप टेन बेस्ट मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे सो तो गाइस चलिए शुरू करते हैं नंबर टेन हॉकाय तो गाइस 2018 में डेयर डेवल सीरीज के बाद Hawkeye में फाइनली किंग पिन को एमसीयू में लाया गया लाइक like, सीरीज के स्टार्ट से ही एक लॉन्ग एंटीसिपेशन बिल्डअप होती जा रही थी कि आखिरकार वो बिग गाय कौन हो सकता है एंड फाइनली सीरीज के एंड में विंसेंट डिफ्रियो के विसेंट फिस्ट को देखने के बाद लाइक गाइस लिटरली उस मोमेंट में मजा आ गया की हाँ मार्बल के स्ट्रीट लेवल साइड को रूल करने किंग पिन आ चुका है नंबर नाइन वकांडा फॉर एवर तो गाइस ये तो मानना ही पड़ेगा कि ब्लैक पैंथर और वकांडा फॉर एवर ना कि ओनली एक स्पेशल मूवी थी बट ऑल्सो ये मार्वल फेज फोर का वन ऑफ द बेस्ट मूवी था एंड इसमें डिरेक्टर रैन ने और टेलोकन को जितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गाइस दैट वॉज अमेजिंग लाइक आपको थिएटर में वो वाला सीक्वेंस तो याद ही होगा जब नेमोर सूरी को टेलोकन दिखाता है लाइक like, वो अंडर वाटर विजुअल्स बैकग्राउंड म्यूजिक लाइक गाइस लिटरली दैट वॉज मैजिकल नंबर एट मून नाइट तो गाइस फेज फोर में हमें मल्टीपल मार्वल सीरीज देखने मिले जिसमें से कुछ अच्छे थे और कुछ

One of the best जो टॉमेंड के, like, के तुरंत रोक लेता है like, that

उस, पे उस चीज को सूरी के कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था लाइक like, एंड में वो बीच वाले सीन में जब सूरी टिचाला के लिए मोर्न कर रही थी उस में, वो जो कम्प्लीट साइलेंस था वो

Was and इसे हम हमेशा याद रखेंगे तो गाइस आज के लिए बस इतना ही और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और आपके फेस फोर के बेस्ट मूवमेंट क्या है ये भी मुझे बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो गाइस थैंक यू सो मच और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में तो बाय एंड टेक केयर